कुछ भी हो सकता है। यहाँ चुनाव जीतने के लिए लोगों ने राम को ही दांव पर लगा दिया। इन लोगों ने तो भारत की सरकार ने विमान नहीं दिए, पहले तो उसी पे संदेह पैदा होता है। चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव में वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। वो लोग काम पे तो वोट नहीं मांग सकते, चुनाव में वोट लेने के लिए है। इसलिए वो इसे आज के बाद भी इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनका सब कुछ इस चुनाव के इर्द गिर्द सब कुछ उनका धार्मिक ये कार्ड चल रहा है। सारा मंदिर पे कब्जा क्या भारतीय जनता पार्टी का है क्या? नहीं, मैं इसको सिर्फ एक चुनाव के तरीके से देख रहा हूँ कि चुनाव में वोट पाने के लिए ये सब चल रहा है, बाकी कोई किसी की धार्मिक आस्था का कोई मसला ही नहीं है। मानने वाला व्यक्ति करे वो संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, और देश में अशांति पैदा करने वाला कृत्य उसको कहा जाएगा। इस पे सख्ती से सरकारों को रोक लगानी चाहिए, और रोक लगाते वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि इस तरह की हरकत करने वाला व्यक्ति किस धर्म को मानने वाला है। सर एक सवाल है, लोगों के घरों पर जबरदस्ती झंडे लगाए जा रहे हैं, लोगों को अगर नहीं लगा रहे उनको पीटा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं कि ये राम राज्य की शुरुआत है? नहीं, ये तो मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ें आतंक पैदा करने वाली हैं। इससे दूसरे लोगों को भयभीत और आतंकित किया जाता है। जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं आतंकवाद की, तो उस डेफिनेशन में है कि कोई भी ऐसा कृत्य जो दूसरे को आतंकित करता हो, आम आदमी को आतंकित करता हो, तो ऐसा कृत्य आतंकवाद की श्रेणी में आना चाहिए। लगाना ये व्यक्तिगत है, आप कौन होते हैं दूसरे के घर पे, दूसरे के धार्मिक स्थल पे या दूसरे की गाड़ी पे अपना झंडा लगाने वाले? अगर उसकी खुद की खुशी है वो लगाने को तैयार है तो कोई बात नहीं है, अन्यथा हम जबरन क्यों लगवा रहे? ये तो मैं समझता हूँ देश पतन की तरफ जा रहा है। ये देश में जितना ज़्यादा कट्टरपन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा देश के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, और ऐसे लोग संविधान के विरुद्ध जाकर काम कर रहे हैं, देश की जो मूल भावना है संविधान की उसके विरुद्ध जाकर काम कर रहे हैं। और अगर ऐसा बढ़ता रहा तो फिर सोमालिया में या लीबिया में, लेबनान में, इराक में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में और इंडिया में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। जिस तरह वो देश तबाह हुए हैं उसी तरह हमारा देश भी तबाह हो जाएगा। तो इस तरह के काम करने वाले लोग देश की तबाही के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सरकारों को चाहिए तुरंत ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज करके ऐसे लोगों को जेल में डालें, ऐसे लोगों की जगह जेल के अंदर है। तो जब जो प्रधानमंत्री हैं वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जब वही इस तरह का काम करेंगे तो कैसे हो सकता है पॉसिबल? देखिए, चाहे कोई राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, अगर वो भी देश के खिलाफ कोई लोगों की भावनाओं को भड़काने वाला काम करेगा उसकी भी जगह जेल में होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, उसमें अपराध जब कोई करता है तो उसमें उसका पद नहीं देखा जाता किस पद पे था जिसने अपराध किया है। अपराधी की सजा तो कानून के तहत निश्चित है और उस हिसाब से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने तो बहुत पहले ही इसकी आशंका जाहिर कर दी थी। आशंका जाहिर की इसीलिए हम लोग, चूँकि इसको पढ़ चुके हैं और हम लोग खुद आशंकित हैं, इसीलिए हम इस तरह की घटनाओं का खुलेआम विरोध कर रहे हैं और विरोध अंतिम सांस तक करेंगे। हम लोग किसी की धार्मिक भावना के खिलाफ नहीं है, लेकिन कोई दूसरे की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे हम उसको भी स्वीकार करने को तैयार हैं। फिर आपको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है? वो कोई कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले, हम नेशनल हैं एंटी नेशनल हैं? हम लोग तो सच्चे देशभक्त हैं। जो लोग देश के संविधान को मानते हैं, देश के संविधान के हिसाब से अपना जीवन चलाते हैं, वो लोग सच्चे देशभक्त हैं। और जो लोग देश को नहीं मानते, देश के संविधान के विरुद्ध जाके कृत्य करते हैं, वो लोग देशद्रोही हैं। एक और सवाल है, राष्ट्रपति जी को जो निमंत्रण मिला था या जिस तरह से वो नहीं गई हैं, जिस तरह से संसद का उद्घाटन हुआ था वहाँ भी नहीं बुलाया गया था, तो क्या लग रहा है एक दलित को वहाँ पर नहीं बुलाना है उनको? नहीं बुलाना, देखिए पहली बात तो ये है कि मैं ये मसला सरकार का है ही नहीं, ये तो जो संस्था उसको बना रही है, जो उसकी एक कमेटी बनी है, उस कमेटी की मर्जी है किसी को बुलाया ना बुलाया, इसमें किसी को क्यों बुरा लगना चाहिए, ठीक है ना? और दूसरी बात, पहले देश में करोड़ों धार्मिक स्थल हैं अलग अलग धर्मों के, और एक और बन जाए और 10-20-50 और बन जाए, 1000 और बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो राजनीति के लिए वोट की खेती करने के लिए धर्म का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं। एक सवाल है जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ, 2019 में जिस तरह से पुलवामा हुआ था, उसी तरह जो पुलवामा का जो इलेक्शन में बुनाया गया, उसी तरह से राम मंदिर को बुनाने की कोशिश? कुछ भी हो सकता है, यहाँ चुनाव जीतने के लिए लोगों ने राम को ही दांव पर लगा दिया। इन लोगों ने तो ऐसे लोग जो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसा सत्यपाल मलिक जी जब गवर्नर थे J&K के, जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने जो पिछले दिनों खुलासा किया है उससे तो पुलवामा की घटना पर भी संदेह हो रहा है कि वो करवाया किसने, 300 किलो RDX आया कहाँ से,
वो पाकिस्तान से भेजा या भारत में ही, क्योंकि उसका तो लाइसेंस भी हर किसी को नहीं मिल सकता, वो कैसे पहुंचा। नंबर दो, कश्मीर के अंदर हम लोग 5-9 विधायकों की कमेटी गई थी, हमें भी गाड़ी से उतार के चप्पे चप्पे पे गाड़ी जांच की जाती थी, तो फिर वो 300-350 किलो गाड़ी जो RDX लेके गई, उस गाड़ी की जांच क्यों नहीं हुई, वो गाड़ी पहले क्यों नहीं पकड़ी गई। मतलब एक तो सैनिकों को ट्रांसिट करने के लिए उनको जो विमान की ज़रूरत थी, भारत की सरकार ने वो विमान नहीं दिए, पहले तो उसी पर संदेह पैदा होता है, और दूसरी बात कि वो RDX इतना लेके गाड़ी वहाँ तक पहुँच कैसे गई, जहाँ जहाँ से वो गुजरता है काफिला सैनिकों का, उससे बाहर तो बैरिकेडिंग की जाती है। तो क्या अभी भी राम मंदिर का मुद्दा खत्म नहीं हुआ? देखिए कुछ, अगर ये केवल राम मंदिर का मुद्दा होता तो जब संसद से जो आया आदेश, जो सॉरी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब जजमेंट दे दिया, वो जजमेंट गलत था सही था वो अलग सवाल है, वो लीगल क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा भी ये मानना है उस जजमेंट में जुडिशियस माइंड मुझे नजर नहीं आता, लेकिन जो भी हो गया एक बार डिसाइड हो गया, उसके बाद राजनीति को क्या लेना देना धर्म से। एक कमेटी बन गई, वो अपना आप मंदिर बनाए, जिसको बुलाए ना बुलाए, इसको भारतीय जनता पार्टी RSS क्यों इसको लेके जगह जगह घूम रही है? इसका मतलब है वो इसको छोड़ने वाले नहीं है, चूँकि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव में वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, वो लोग काम पे तो वोट नहीं मांग सकते, क्योंकि जो उन्होंने वायदे किए थे 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो रोजगार तो उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने कहा था 35 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा, वो हुआ नहीं, उन्होंने कहा था कि डॉलर की कीमत के बराबर रुपये की कीमत हो जाएगी, वो नहीं हुई, उन्होंने कहा था कि देश में महिलाओं पर बार हमले खत्म हो जाएंगे और वो नहीं हुआ, महंगाई कम हो जाएगी वो नहीं हुआ, तो जितने वायदे किए थे, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी वो नहीं हुआ, काला धन वापस लाने की बात की थी कुछ भी वापस नहीं आया, बल्कि 1.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। इसको तो तब बताया जा रहा है आरएसएस तो का उनका मुद्दा ये राम का या धर्म या मंदिर का मुद्दा उनका चुनाव में वोट लेने के लिए है, इसलिए वो इसे आज के बाद भी इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनका सब कुछ इस चुनाव के इर्द गिर्द सब कुछ उनका धार्मिक ये कार्ड चल रहा है। आपकी पार्टी ने बड़े आरोप लगाए कि राम मंदिर में बड़ा घोटाला किया गया था, क्या बड़े मुद्दों को दबाने के लिए ये सब चीज़ें? देखिए मैं एक राजेंद्र गौतम एक इंडिविजुअल व्यक्ति के तौर पर एक वकील के तौर पर बात कर रहा हूँ, आप कृपया मेरे से राजनीति की बात ना करें, मेरे से आप मेरे मैं तो सामाजिक काम कर रहा हूँ, मैं तो जनता के मुद्दों पर लड़ रहा हूँ। गौतम को बुलाया जाता तो मंदिर जाते? बिल्कुल नहीं जाता, मैं क्यों जाऊँगा, मेरी जहाँ आस्था होगी मैं वहाँ जाऊँगा। आगे मस्जिद बनेगी तब जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, मैं क्यों जाऊंगा, और फिर मुझे कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना मेरा व्यक्तिगत मैटर है, उससे किसी को क्या लेना देना। लेकिन सर जिनकी आस्था है जो जाना चाहते हैं राहुल वो जाए, जिसकी आस्था वो जाए, आसाम के अंदर राहुल गांधी जी जा रहे हैं उनको रोक दिया तो वहाँ की सरकार इतनी डर गई है, इसका मतलब सब कुछ सारा मंदिर पर कब्जा किया भारतीय जनता पार्टी का है क्या? क्या बाकी लोग नहीं जा सकते सर? दिल्ली अगर जिस तरह राहुल गांधी जी को रोका गया आसाम के अंदर मंदिर में जाने से, उससे ये बात तो स्पष्ट है कि मंदिर जो है वो पूरा राजनीतिक मुद्दा बन गया और वो भाजपा उसको अपना एकाधिकार मानती है। मोहन भागवत भी तो मोहन भागवत साथ है, वो जा सकते हैं, क्योंकि उनका तो सारा इर्द गिर्द RSS का पूरा वोट कैसे बीजेपी को मिले, इसी के लिए तो RSS काम नहीं। अगर सर बीजेपी इस काम को करे तो गलत है, अगर दिल्ली सरकार करे तो वो ठीक कैसे है सर? दिल्ली सरकार भी तो सुंदरकांड करवा रही है, ये कौन कर रहा है, कौन ठीक है, कौन यहाँ आप ये सवाल मेरे से क्यों कर रहे हैं भाई? दिल्ली सरकार के दिस क्वेश्चन टू मी, दिल्ली सरकार आप मेरे से क्यों कर रहे हैं सवाल को? सर आप उस पार्टी से जो विधायक है? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते मेरे से, सॉरी उस पार्टी से सॉरी नहीं कर सकता मेरे से। एक सवाल और है, जिस तरह से एक जो राम मंदिर बना है उसके बाद राम राज्य की उद्घोष की जा रही है पूरे देश में, क्या इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं मैं इसको सिर्फ एक चुनाव के तरीके से देख रहा हूँ कि चुनाव में वोट पाने के लिए ये सब चल रहा है, बाकी कोई किसी की धार्मिक आस्था का कोई मसला ही नहीं है। आस्था तो आदमी घर में रह के भी कर सकता है, पूजा अर्चना घर में रह के हर हिंदू परिवार में घर में मंदिर होता है, अगर खाली पूजा अर्चना होती आस्था होती वो तो घर पर भी कर लेगा, लेकिन इसको चीख चीख के बोलना, इतने बड़े बड़े वो लगा के, मतलब स्पीकर्स इतने जो धुमधुम करके बज रहे हैं वो लगा के गलियों में घूमना, वो क्या है? एक तरफ आप अजान को लेके कहते हैं कि ये लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, एक तरफ हम गली गली में इतना शोर मचा रहे हैं, आस्था का इससे मतलब नहीं है, इसका चुनाव से मतलब असत्य पर सत्य की जीत बताई जा रही है इसे। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं मानता, मुझे तो लग रहा है देश में सारा असत्य ही आगे बढ़ रहा है, और पूरे तरीके से देखा जाए तो अधर्म का काम ज्यादा हो रहा है, क्योंकि धर्म का मतलब होता है न्याय, तो सबके साथ अगर न्याय ना हो, सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार ना हो, सबके कल्याण की भावना मन में ना हो, अगर नफरत पैदा की जाए तो फिर वो मैं उसे केवल एक चुनावी मुद्दा मानता हूँ। बहुत बड़ा वर्ग है SC ST OBC समाज का, जो मंदिर बनने से खुश है,
वही खबरें आ रही हैं कि धोबी समाज के से पर अनुसूचित जाति के चव्हाण समाज से पैसा वापस कर दिया गया है। राजस्थान से खबरें आ रही हैं। नहीं, वो तो घटना हुई है, सच्चाई है। वो तो उस पर तो कंप्लेंट की उन्होंने, एफआईआर दर्ज कराने के लिए। उन्होंने कहा कि तुम जिस तुम्हारे पैसे से अगर प्रसाद खरीद प्रसादी खरीदा जाएगा प्रसाद खरीदा जाएगा या धार्मिक आयोजन किया जाएगा तो अपवित्र हो जाएंगे, और इसलिए उनका पैसा उनको वापस किया। वो तो अपमानजनक घटना है। तो मैं तो ये कहता हूँ, जहाँ मैं बार बार दोहराता हूँ, जहाँ आपका अपमान हो वहाँ जाते ही क्यों हो, और ऐसी जगह चंदा क्यों देते हो जिससे आपके बच्चों का कोई कल्याण ना हो। आस्था है साहब उनकी, आस्था है तो उनकी आस्था को, उनकी आस्था को, उनकी आस्था को ठोकर मार रहे हैं ना वो वापस पैसा देके, उनको उनको अछूत कहकर उनका पैसा वापस देकर कि प्रसाद अपवित्र हो जाएगा, तो उनको जो पैसा वापस दिया वो तो उनको क्या ठोकर नहीं मारी है? ये अपमान नहीं है क्या उनका? एक्चुअली क्या है, उनकी आस्था का हमारी आस्था का कोई मोल नहीं है। उन्होंने संत गुरु रविदास जी के मंदिर को तोड़ा, तब आस्था कहाँ चली गई? जब वो मंदिर को तोड़ रहे हैं हमारे को, तब आस्था कहाँ चली गई? सड़कों पे जो आप देख रहे हैं आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ है, उसके बाद आप क्या बदलता हुआ देख रहे हैं, क्या क्या आपको? मैं ये देख रहा हूँ कि एक अराजकता का वातावरण भारत में भी बढ़ रहा है, और भारत में धर्मांधता की तरफ भारत बढ़ रहा है, तो भारत भी कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है, और जो असल कट्टरपंथी देशों का हुआ है, अगर ये बढ़ता रहा, इसको रोका नहीं गया सरकारों के द्वारा, तो भारत का असर भी उन देशों जैसा होगा जैसे कट्टरपंथी देश लड़ झगड़ के आपस में तबाह होगा। नेशनल टेलीविजन चैनल जो दिखा रहे हैं दूरदर्शन पे लाइव प्रसारण जिस तरीके से, तो सरकार उनकी है, वो तो दिखाएंगे, सारे मीडिया चैनल वो खरीद चुके हैं, वो उसको दिखाएंगे, क्यों देकर जनता को तय करना, वो देखे ना देखे, जो उन्हें फायदे की चीज़ है देखे ना देखे ना देखे, वो तो व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला, कौन टीवी देखना चाहता कौन नहीं देखना चाहता। लेकिन ये सरकार का दुरुपयोग है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है।